डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये जलती हुई चिता देखिए और इसके आगे जमा लोगों की भीड़ देखिए। ये तस्वीरें दुर्गापुर के एक शमशान की हैं। तस्वीरों में जल रही चिता दूसरी बार बनाई गई है, क्योंकि पहली बार जब इस चिता पर 78 साल के एक बुजुर्ग को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, वो अचानक जिंदा हो गई थी। पेज केवल यही नहीं है कि वो अचानक जिंदा हो उठी, बल्कि इसमें पुलिस से लेकर डॉक्टरों तक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्गापुर के पांडवेश्वर की रहने वाली 78 साल की पुष्पा देवी एक महीने पहले फिसल गई थी और इस वजह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी और वो तब से बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। महीने भर तक तमाम इलाज कराने के बावजूद बुजुर्ग की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और 27 मई को अचानक पुष्पा देवी का शरीर ठंडा पड़ गया। कई डॉक्टरों को भी मौत की तस्दीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया। लिहाजा परिवार ने नब्ज और दिल की धड़कन टटोली तो उन्हें लगा कि पुष्पा देवी की मौत हो चुकी है। मौत की वजह से घर में मातम छा गया। मृत्यु से जुड़े तमाम कर्मकांड किए गए और फिर अर्थी तैयार कर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। चिता बनाई गई और शव को जैसे ही चिता पर अंतिम संस्कार के लिए लिटाया गया, उसमें हरकत होने लगी। घबराए लोगों ने शव को चिता से उतारा और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को लेकर पास के ही अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां पर शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से बुजुर्ग को जिंदा करने की तमाम कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा पुष्पा देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब एक बार फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी, वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।